ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाकों को भारत का इलाका दिखाया है। दरअसल हो ये रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान का आधिकारिक जो ट्विटर अकाउंट है वो बैन है, और जब ट्विटर यूजर्स मौजूदा समय में वहां पर जब एक्सेस करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भारत जो कश्मीर के जो आप ट्विटर यूजर हैं उनका ये स्वागत है। दरअसल जो ट्विटर का ये पूरा का पूरा अकाउंट है ट्विटर पाकिस्तान सरकार का, ये मार्च 2023 से ये बैन है गिलगित बाल्टिस्तान में, और तमाम जो यूजर्स हैं इसकी शिकायत करते हैं। इसके अलावा ये हो रहा है कि साल 2022 में भी जो पाकिस्तान से जुड़े जो ट्विटर के अकाउंट हैं उनको गिलगित बाल्टिस्तान में ब्लॉक किया गया था, और 2023 में एक बार और ब्लॉक किया गया है, और उसके बाद अब ये ताज़ा परिस्थिति उत्पन्न होकर आई है कि जो ट्विटर जब ये इलाका दिखा रहा है गिलगित और बाल्टिस्तान का उसको भारत के हिस्से में के रूप में दिखाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके इम्प्लीकेशन, इसका असर क्या पड़ेगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान जो कि एक अहम हिस्सा आता है, जब वहां पर पाकिस्तान को इस चीज का पता चलेगा पाकिस्तान जाहिर तौर पर आपत्ति जताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त पर हो यही रहा है कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को के कुछ हिस्सों को भारत की लोकेशन में दिखाया है, और जब यहाँ के यूजर ऐप पर लोकेशन फीचर जब चालू करते हैं तब उस एरिया को भेजे गए ट्वीट्स को कश्मीर से जो ट्वीट आते हैं उसके भेजे गए ट्वीट्स के रूप में दिखाया जा रहा है। यानी कि जो वो हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान हिस्सा ट्विटर के मुताबिक यह भारत का हिस्सा है, और जो कि जो फीचर्स आए हैं जो लोकेशन ऐप आए हैं, और ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान का जो पाकिस्तान का आधिकारिक अकाउंट है गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में चलता है उसको भी ब्लॉक कर दिया। हम पहले ही इस बात की यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, और अब ट्विटर यूजर्स पर क्या इसका पूरा असर हो रहा है हम ये भी बताते हैं। ट्विटर यूजर्स ने शिकायत भी यहाँ पर की है लेकिन इसका कोई ठोस जवाब ट्विटर की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं है कि हम कैसे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करें। तो जिस तरीके से अपनी पाकिस्तान अपनी गतिविधियों के जरिए ट्विटर के माध्यम से एक फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था, शायद उसी का नतीजा यह है कि ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार का जो अकाउंट है वह गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में ब्लॉक कर दिया है, और अब उन हिस्से को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया जा रहा है। तो एक ये नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की ओर से आपत्ति आएगी ही, और अब पाकिस्तान की ओर से कुछ न कुछ इसमें कहा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि आखिरकार जब आपने कुछ किया तो उसके बाद ही तो कुछ हुआ होगा। तो यह पाकिस्तान की कारस्तानियों जो कारस्तानी है उनका नतीजा है जिसके बाद ये ट्विटर अकाउंट उसका पहले ब्लॉक किया गया, अब ट्विटर यूजर्स को ये सारी जो जानकारी है वह मिलने में आ रही है। इससे पहले भी कई जो पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी, अलग अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया इवेंट आए थे, और अब गिलगित बाल्टिस्तान में जब उसने ऐसी गतिविधियां की तो उसका अकाउंट पहले ब्लॉक हुआ, अब जब अकाउंट यूजर्स वहां पर उसको किसी तरीके से एक्सेस करते हैं तो कहते हैं कि भारत के हिस्से के कश्मीर में आपका स्वागत है, और गिलगित बाल्टिस्तान सदैव से ही भारत के लिए अहमियत रखता रहा है, और इसीलिए अब जब इस पूरी गतिविधियों के बाद जब जैसे ही ओपन करते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा यहां पर दिखाया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि पाकिस्तान जाहिर सी बात है जब वो आपत्ति इस पर जताएगा तो ट्विटर की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी।